कृष्णा यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। शुरुआत करते हैं प्राइम टीवी के खास सेगमेंट का, जिसमें हम आपको अपराध की जगत से जुड़ी हुई खबर दिखाते हैं। बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में लगता है कि कानून का राज पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है और हत्यारों का बोलबाला चल रहा है। 24 घंटे में 3 और 5 दिनों में 5वीं हत्या की वारदात होने से पुलिस अधिकारियों पर सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा हुआ है। इन शातिर अपराधियों के खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है और कब तक लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे, आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। 14 IPS और हत्याओं का खेल, उद्योग नगरी बना मौत का अड्डा, 120 घंटे में 5 हत्याओं से सनसनी, हत्यारों को नहीं पुलिस का खौफ, बेखौफ हत्यारे कर रहे हत्याएं। जिले में तैनात 14 IPS की फौज सिर्फ रिपोर्ट लिखने और जांच करके कड़ी कार्रवाई करने के दावे में सिमट गई। ठेकेदार की हत्या को 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि कल्याणपुर इलाके में सरेआम एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। अफसोस की बात यह है कि पिछले 5 दिनों के भीतर ही जिले में 5 हत्याएं हो चुकी, तब भी पुलिस प्रशासन मौन बैठा हुआ। आखिर पुलिस प्रशासन की तरफ से इन हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जबकि कानपुर जिले में 1-2 नहीं बल्कि 14 IPS अफसरों की फौज कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात। इतनी बड़ी अफसरों की फौज आखिर क्या कर रही है? इस तरह 24 घंटे में 3 और 5 दिनों में 5वीं हत्या होने से पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठने लाजमी है। दरअसल देर रात कल्याणपुर इलाके में विशाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में फिल्म स्टाइल में दौड़ाकर गोली मारी गई, जिसके बाद हत्यारों ने उसके सिर को कुचल दिया। इस हत्या की पूरी साजिश रचने का आरोप विशाल निषाद के ताऊ का बेटा विकास निषाद पर है, जिसने पहले दोस्तों के जरिए विशाल निषाद को फोन करके घर से बाहर बुलवाया और दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। वहीं पर ADCP ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि पारिवारिक रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड के आरोपी विकास पर पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में केस दर्ज है। पुलिस FIR लिखकर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बताया गया कि मृतक विशाल निषाद BJP पार्षद विजय निषाद का रिश्ते में भतीजा लगता है। इन्होंने शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव क्या ठेकेदारी का काम किया था। सुभाष रोड और श्याम नगर में अपार्टमेंट बने हुए, वहीं पे ठेकेदारी का काम किया था। पिछले 1.5-2 साल से हमारा 18 लाख रुपए उनके ऊपर बनता है, उसके लिए उससे बोला जा रहा था लेकिन वो दे नहीं रहते। जब भी बोलते तो हर बार टरका देते थे कि यार थोड़ा दिक्कत है, अभी कर देंगे तभी कर देंगे। पिछले 1 साल से हमने पुलिस में भी तहरीर दे रखी है, थाना चकेरी आयुक्त पुलिस आयुक्त सब जगह DM वगैरह सब जगह हमने अप्लीकेशन दिया है, लेकिन कभी भी जब भी कार्रवाई होती है ना ही उसको बुलाया जाता, वो कभी प्रत्यक्ष आया नहीं। कभी बिल्डर के खिलाफ ऐसे कोई कार्रवाई हुई नहीं। आज क्या हुआ? कल उनका मुनीम का मैसेज, अपने मुनीम से, उनका तिवारी मुनीम है शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव का, उससे मैसेज दिलवाया कि कल आ जाओ 1 बजे के पहले। तो हम वही बैठ के सारे बिल का जितना है देख के जो पैसा है आपका निपटारा कर देंगे। वो उनको घर बुलाया, वहीं पे घर और ऑफिस उसका दोनों पास पे ही है, वहाँ पे घर पे बुला के उनके साथ मारपीट करी, उनको जला दिया गया। ये हत्याएं अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई हैं, ये देखते हुए कहा जा सकता है कि अपराधियों पर पुलिस का जरा भी खौफ नहीं, जबकि कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था पहले से ही लागू है। इसके बावजूद एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। अब तक की हुई शहर में ये वारदातें कुछ इस तरह से अंजाम दी गई हैं। 16 जुलाई को पनकी इलाके में राजमिस्त्री अरुण कुमार की अपहरण करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अरुण कुमार की लाश को खेत में फेंक दिया गया। वही 20 जुलाई को बिल्हौर के सुखापुरा में 65 वर्षीय बुजुर्ग राम सिंह कटियार की हत्या करके
शव को कुएं में फेंक दिया गया था। जिले में एक के बाद एक हत्या करने का सिलसिला जारी है। 20 जुलाई को ही चकेरी इलाके में बिल्डर श्रीवास्तव ने अपने ठेकेदार को पैसे मांगने पर जिंदा जला दिया था। अब बात करें 21 जुलाई की तो घाटमपुर में राजेश संखवान नामक एक युवक को डंडे से पीट कर मार डाला गया और रात होते होते कल्याणपुर में विशाल की हत्या कर दी। देखिए, श्यामनगर में एक प्रकरण सामने आया है कि एक बिल्डर द्वारा एक ठेकेदार को जिंदा जलाया गया है। हमने परिवार वालों से तहरीर प्राप्त कर ली है और अब सुसंगत धाराओं में FIR भी दर्ज की जा रही है और जल्दी अरेस्टिंग भी हो जाएगी। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो इस पे जांच बैठाई जाएगी, इसमें देखा जाएगा कि किसकी लापरवाही है। अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो इसमें भी जांच की जाएगी और उनको भी, दोषियों को भी सजा दी जाएगी। इस तरह से कानपुर में 24 घंटे में 3 और 5 दिनों में 5वीं हत्या होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शहर में ADG रैंक के IPS, 3 IG रैंक के IPS, 4 SSP रैंक के IPS अफसर, बाकी रैंक के IPS, ACP और ADCP की पोस्ट पर तैनात हैं। लेकिन अपराध का ग्राफ बताता है कि पुलिस महज कागजी कार्रवाइयों में ही व्यस्त, जमीनी तौर पर काम नहीं किया जा रहा है। इसे देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस सिर्फ इन मामलों में खाना पूर्ति कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में लोगों का पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि पुलिस के इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से जनता भी आक्रोश पैदा हो रहा है। फिलहाल इस कड़ी में बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही अपराध जगत से जुड़ी प्रदेश की तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।